असल में ये जो है ना, एक होता है ममतने होना, ममतने नामुमकन, यानी एक होता है मुमकिन। अल्लाह ताला की जो सिफात है ना, इस तरह की ये मतना के एतबार से है, मुहाल नामुमकन ममतने के एतबार से। और मखलूक की अगर इस तरह की सिफत हो जाए ना, तो ये इमकान के एतबार से है, यानी फिर भी इमकान है उस के यानी ख़त्म होने का। ये सिफत, अल्लाह की सिफत और मखलूक की सिफत में फ़र्क इस तरह समझ लेना, कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजह, या कुल्लो मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, या कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजह। इसमें देख लें, अब जन्नत जो है ना, उसमें हिलाकत नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला ने कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजह। यहाँ एक होता है काबिल लिश है, एक होता है गैर काबिल लिश है। अल्लाह ताला गैर काबिल लिश है, यानी जो नक्स वाली सिफत है ना, गैर काबिल रहा है अल्लाह ताला, गैर काबिल। और मखलूक जो है ना, ये है काबिल लहू, काबिल लहू। इसलिए हालिकुन का माना करेंगे काबिल लिल हलाका। अगरचे जन्नत में दाखिल हो भी गए हैं ना, फिर भी काबिल लिल हलाका है, यानी हिलाकत अगर अल्लाह इनको हिलाक करना चाहे तो इसको कबूल कर लेंगे ये, लेकिन अल्लाह के लिए ऐसे नहीं है। उधर नामुमकन है, मुमतने है, उसके लिए इस सिफत का होना जो है ना नक्स वाली, मुमतने है, नामुमकन, वो इस काबिल नहीं है इसके। तो मखलूक जो है ना, उसके लिए मुमतने नहीं है, मुमकिन है, ये फ़र्क है। इस एतबार से शरीक नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह का शरीक हो गया है, ये फ़र्क हो जाएगा।